रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले ही महीने T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। अब टीम इंडिया का अगला मिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, मगर इस टूर्नामेंट को लेकर एक पैंच फंसता दिखाई दे रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेजबानी में होनी है, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव जय शाह पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी। मगर इन सबके बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB अपनी तैयारियों में पूरी तरह तन्मयता के साथ जुटा हुआ है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी तैयार कर लिया है, साथ ही शेड्यूल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC और इसके सदस्य देशों को मंजूरी के लिए भेजा है। सब जगह से हरी झंडी मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा, मगर उससे पहले ही यह शेड्यूल वायरल हो गया है। ब्रिटेन के एक अखबार दी टेलीग्राफ ने इसे छाप दिया है। इसके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज कराची में 19 फरवरी को होगा। ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। साथ ही शेड्यूल के मुताबिक भारत पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें होंगी, जिन्हें 2 ग्रुप में रखा गया है। भारत पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को एक साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को ग्रुप बी में रखा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल समेत सभी मैच 19 दिन में होंगे। वायरल शेड्यूल के मुताबिक भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले लाहौर में ही खेलेगी। टीम का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश और दूसरा मैच 23 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, जबकि भारतीय टीम को अपना तीसरा और ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच पाकिस्तान के खिलाफ 1 मार्च को खेलना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में 5 और 6 मार्च को खेले जाएंगे, जबकि 19 मार्च को खिताबी टक्कर होनी है। यह सेमीफाइनल मुकाबले कराची और रावलपिंडी में होने हैं। अगर भारतीय टीम टॉप 4 में पहुंचती है तो वो अपना सेमीफाइनल लाहौर में ही खेलेगी। भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात ये भी है कि अभी तक BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने पर सहमति नहीं दी है। भारतीय टीम ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी पिछली बार 2017 में हुई थी, तब पाकिस्तान विजेता बना था, उसने फाइनल में भारत को हराया था। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।